अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनमोल मन्ना कुक। आज हम शोरबे की एक अच्छी सी और नहायत आसान सी रेसिपी बनाएंगे। तो हम चिकन के साथ बना रहे हैं, आप इसको बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। और शोरबा बिल लबन हम बना रहे हैं, यानी शोरबा लस्सी के साथ, जो गाढ़ी वाली लस्सी होती है उसे अरबी में लबन बोलते हैं। तो ये लबन के साथ हम बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल डाला है एक कढ़ाई में, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब भर के हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। और अब हमने इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इस प्याज़ों को ज़रा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है और रमज़ान के दिनों में तो ख़ास कर इसको जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें ज़रूर बनाया जाता है। प्याज को अब हल्का सा पका के हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें हमने लहसुन अदरक को कूट लिया है, फ्रेश हमने ये लिया है, और उसके साथ ही हमने गरम मसाला लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और उसके साथ चाइनीज़ नमक है, ज़ीरा हमने लिया है, और साथ में 3-4 लौंगे हैं, 1 इंच टुकड़ा है दालचीनी का, और एक साथ में हमने इसका ब्लैक लेमन लिया है, और हमने सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा दोनों इसमें इस्तेमाल किए हैं। काला ज़ीरा बहुत कम किया है और सफ़ेद ज़ीरा हमने 1/2 टीस्पून किया है। तो ये ब्लैक लेमन है एक, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादातर जायका जो है ब्लैक लेमन का ही आता है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, तब आपको इसकी बिल्कुल परफेक्ट जो इसका अपना जायका होता है वो आपको मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा, इतना सा कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है इसमें से वो हो जाए, कम हो जाए, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं 1/2 kg के करीब। आप अगर चाहें तो इसमें बोन वाला ऐड कर सकते हैं, उससे तो जायका और भी अच्छा इसका बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। हमने अभी इस टाइम पे इसमें बोनलेस चिकन ऐड किया है। अब हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसमें नमक वगैरह ऐड करेंगे। हमने इसमें नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। हल्का सा भून के हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब पानी हमने इतना ऐड किया है जिसमें चिकन सॉफ्ट हो जाए, फिर और हमें जितना चाहिए होगा हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक के चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखें, अब चिकन जो है बहुत हद तक गल गया है, देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें ओट्स शामिल करेंगे, 2 कप हम इसमें ओट्स शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन या ओट्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पहले हम ओट्स बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाते हैं, तो पहले हमने 1 कप डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और फिर हमने 1 कप इसमें ऐड किया है। और अब हम इसके साथ पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें बाद में बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है,
हम इसमें फुल फैट लबन ऐड करेंगे। आपके पास लबन नहीं है, आप दही लेके तो उसको अच्छी तरह से फेंट लें और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें या दूध ऐड कर लें। ये देखें, ये बहुत गाढ़ा है। जैसे जैसे हम लबन ऐड करेंगे साथ में ये इसको चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। थोड़ा सा पानी हम इसके साथ शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए 10 मिनट में इसका पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है और ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने एक बाउल लिया है, इस तरह से उसमें इसे सर्व करेंगे और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।